हेलो नमस्ते, मैं मधु और मुझे नहीं पता नॉइज़ कैसे आने वाला है। मैं थोड़ा बाहर हूँ और मेरा एक वीडियो बनाने का मन किया क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो बनाया नहीं है। तो जैसे आपको पता है मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन इन फीमेल बॉडी। तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि कैसे क्या, तो मैं जैसे जैसे धीरे धीरे अपना स्टोरी शेयर करते जाऊँगा तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि मुझे किस तरह से रियलाइजेशन आया। और ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से ये जैसे अवेकनिंग हुआ या स्पिरिचुअल नॉलेज सीखने को मिला तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक है ना संन्यास ले लिया। नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कोई संन्यास नहीं लेना है। ट्विन फ्लेम जर्नी ही होता है कि जैसे आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक नॉर्मल लाइफ में रह सको, राइट। तो अभी तक जैसे मैं अपने हीलिंग पाथ पे हूँ, राइट। तो आज न्यू ईयर था और मुझे खुद को सेल्फ लव में कुछ खुद के लिए करना था। तो एक डीप जो ब्लॉक है मैं अभी हील कर रहा हूँ वो है कनेक्शन ब्लॉक, राइट। कि हम खुद के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सके, डीप में ये जान सके कि हमको रियली कौन सी चीज़ अच्छा लगता है, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे हमेशा से ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था और जब से मेरा ये अवेकनिंग का प्रोसेस चला तो उसके बाद थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने कोई ट्रैवलिंग वगैरह नहीं किया था काफ़ी दिनों से और उसके बाद फिर कोरोना के वजह से तो पूरा सब कुछ बंद हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा प्लान बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं। सुबह इधर आए हैं और नेचर के साथ हमने काफ़ी टाइम बिताया, काफ़ी मज़े किए दोस्त लोगों के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ। सॉरी, मेरा कैमरा गिर गया। आपको ये जस्ट एक छोटा सा टेक्निकल ब्रेक। आई थिंक मेरा फ़ोन भी ठीक है, मैं इसको एडिट नहीं करूँगा। ओके, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि मुझे नहीं पता इसको मैं छोटे से क्लिप को निकाल पाऊँ कि नहीं। सो प्लीज़ सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि डीप में के कनेक्शन जो ब्लॉक हील करना रहता है कि किस तरह से हम खुद से कनेक्ट हो सके, राइट। एक तो आप डीपली इनर वर्क करते हो लेकिन उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे चीज़ जो हमको रियली दिल से अच्छा लगता है, जैसे मुझे ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद है तो मैंने यहाँ पे टाइम बिताया। और सिर्फ इतना था कि ट्रैवल करना है, मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है तो मैंने ड्राइव किया काफ़ी दिनों के बाद और आउट ऑफ द सिटी, जो मैंने काफ़ी दिनों से किया नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने आज मेनली मुझे वाटर के पास पाया टाइम बिताना था तो आता आते एक छोटा सा डैम लगता है तो वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए। ये सिटी से काफ़ी दूर है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा फ्रेश एयर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं है, भीड़ नहीं है और ऐसा लग रहा है बहुत सारा स्पेस है चारों तरफ, है ना। कि जैसे आप थोड़ा सा हील होते हो आपको थोड़ा स्पेस की ज़रूरत पड़ता है ताकि आप रिलीज़ कर सको अपनी एनर्जी को। और फिर ग्राउंडिंग काफ़ी होती है कि जितना आप नेचर के करीब रहोगे, जितना ऐसे खुली हवा में, राइट। जैसे कोविड है तो बहुत दिनों से हम अंदर भी हैं तो उसकी वजह से भी बहुत बार होता है कि ना कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे थोड़ा खुली हवा में आते हैं, नेचर के करीब आते हैं, नेचर में थोड़ा वॉक करते हैं या थोड़ा सन में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। तो यही है। और चारों तरफ यहाँ पे माउंटेन्स है, पहाड़ है, और जैसे क्योंकि वो माउंटेन का स्पिरिचुअल बिलीफ जो होता है या स्पिरिचुअल ट्रुथ जो होता है वो होता है कि आपको लगेगा ना कि अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ है ना, कि कुछ भी हम नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो एक आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा कि माउंटेन मेडिटेशन, राइट। तो वो चीज़ ऐसा होता है कि आप माउंटेन के साथ जो कनेक्ट करते हो, माउंटेन की एनर्जी क्या होती है कि नॉर्मली जैसे स्टेबिलिटी, कितनी गहराई की तरफ से जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उससे ज़्यादा बदर ना होते हुए पूरा स्टेबल रहना, जितने भी तूफान आए जो भी आए वो सब निकल जाता है, राइट। तो जैसे आपका रोलर कोस्टर हो रहा है या कुछ एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, सो उसे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना कुछ भी नहीं तो भी माउंटेन के थ्रू एक ड्राइव भी लेके आते हो तो आपको एक अलग एनर्जी की एहसास होती है। तो आप कुछ भी, जो भी आपको दिल से अच्छा लगे, बाहर जाना ज़रूरी है ऐसा नहीं है, आप खुद से दिल में कनेक्ट करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपको बुक पढ़नी अच्छी लगती है तो आप एक बुक लेके पढ़िए, या हो सकता है कि आपको कुछ लिखना अच्छा लगता है तो आप वो लिखिए, राइट। लेकिन कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि
जब आप डीप वुंड हील करते हो स्पेसिफिकली, कि जैसे मैं अभी हर्ट हील कर रहा था, कि डीप लेवल में मुझे जो चोट लगे थे, राइट, कि सब कुछ बिखरा, बहुत चीज़ें खराब हुई, लाइफ ऐसे मतलब पूरा बिखर गया, तो उस चीज़ों की वजह से जो घाव बनते हैं दिल के अंदर, तो उसको मुझे हील कर रहा हूँ मैं अभी जैसे अपने अंदर। तो उस चीज़ को हील करना, हम नॉर्मली देखते हैं कि ट्विन फ्लेम ने हमको हर्ट किया। नहीं, आपके ट्विन फ्लेम आपको कभी हर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो बनाए ही नहीं गए हैं आपको हर्ट करने के लिए। उनका डिज़ाइन ही हुआ है कि वो आपको सिर्फ प्यार कर सके, राइट। तो उनका ट्रूथ वो है। तो अगर कुछ हर्ट है, अगर उनके साथ जब आप आते हो, तो वो हर्ट जो होता है वो बाहर आता है। तो सिर्फ इतना काम होता है कि उस हर्ट को हील करना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि वो हम भगवान के ऊपर डालते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो नहीं, कभी भी इसी की वजह से तो बोलते हैं कि पहले हम इनर यूनियन करते हैं भगवान के साथ। पहला हमारा रिलेशन हमको भगवान के साथ हील करना रहता है। जो भी हमको लगता है कि भगवान की वजह से ऐसा हुआ या भगवान की वजह से वैसा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भगवान ने आपको यहाँ पे कोई तकलीफ़ देने के लिए या कोई कर्मा का पनिशमेंट देने के लिए नहीं लाया है। ये धरती है जहाँ पे आप फुल एंजॉय कर सकते हो, अपने रियल ट्रू लव के साथ लाइफ बिता सकते हो। सिर्फ ये है कि जो ऑलरेडी आपके अंदर है, जो ऑलरेडी आपके अंदर दबा हुआ है बचपन से या पिछले जन्म से, तो वो चीज़ निकल रहा है। और ये थोड़े टाइम की बात है। जितना गहराई में जाके आप हील होगे, उतनी जल्दी आप इस चीज़ों से बाहर आ जाओगे, राइट। तो ये है सिंपल चीज़ें मेरे तरफ से। आपको जो भी अच्छा लगता है आप नीचे कमेंट में डालिए। एंड अगर आप लोगों को मेरे साथ काम करना है, तो मैंने अपना वेबसाइट नीचे दिया है, सो कनेक्ट विथ मी। थैंक यू।